गढ़ी संजर खां को नगर पंचायत मलियाबाद में शामिल करने की अपील। मलियाबाद नगर पंचायत से सटा गढ़ी संजर खां ग्राम जो काफी समय पहले नगर पंचायत मलियाबाद में शामिल था, लेकिन कुछ साल गढ़ी संजर खां को मलियाबाद नगर पंचायत से हटा दिया गया, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। बीते दिनों जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई संतावना नहीं मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीति के चलते पहले की सरकार में ऐसा किया गया ताकि मलियाबाद में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहे और वहां कोई हिंदू चुनाव ना जीत सके। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि कुछ सालों पहले ये नगर पंचायत में था तो अब क्यों नहीं, जबकि बिल्कुल टाउन से मिला हुआ है। उसके आगे का और दूर का क्षेत्र जो मुस्लिम है वो क्यों जोड़े गए, गढ़ी संजर खां को क्यों हटाया गया। अब ग्रामीण सरकार के रवैये का इंतजार में है कि उनको कब मलियाबाद नगर पंचायत से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण सरकार से उम्मीद करते हैं कि उनकी परेशानी को समझते हम सब ग्रामीणों को मलियाबाद नगर पंचायत में जोड़कर हम सबका मनोबल बढ़ाए। हमारे संवाददाता प्रशांत अवस्थी ने जब ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलियाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मलियाबाद ग्राम नगर पंचायत से मिला हुआ गांव इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं, जहां पर यहां पर कुछ लोग ग्रामीण जन इनसे खास मुद्दों पर अहम चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राम सिंह। क्या मामला है यहां पर, आप लोग यहां पर आज लखनऊ के अपर अपर डीएम ऑफिस जा रहे हैं, क्या है पूरा प्रकरण? अपर डीएम जी के पास हम जा रहे हैं अपने गांव को अपने टाउन एरिया में शामिल कराने के लिए, क्योंकि हम और गढ़ी संजर खां और मलियाबाद का ये दायरा बिल्कुल मिला हुआ है, सटा हुआ है, फिर भी हम लोग का सौतेला उदास करके गांव छोड़ दिया गया, जो 5-5 किलोमीटर की दूरी पे जो गांव है उनको ले लिया गया और सदरपुर फिरोजपुर सरावां फरीदीपुर टिकरीहार नजरनगर ये लिए गए जो 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और मेरा गाँव तो टाउन से लगा हुआ है, छत ये देखिए सर, ये एक लोग का है टाउन एरिया में घर है, एक लोग का गाँव में है, और जो कि हमारे मतलब पंचायत में देखिए ये इधर है गढ़ी संजर खां, उधर मलियाबाद का एरिया है, और इतना है हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हुआ है कि जो कि मतलब कि कोई भी मतलब वही नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा मतलब नहीं हुआ तो हम लोग इस बार 2024 में अपने मतों का बहिष्कार करेंगे। जैसी भी पार्टी जिस तरीके से आप यहाँ पर ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा, सबसे बड़ा यहाँ पर मौजूदा सरकार के ऊपर है, किस तरीके से सरकार की लापरवाही भी उजागर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि 2024 का चुनाव में हम पूरी तरीके जो हमारा ग्राम सभा को नगर पंचायत में नहीं जोड़ा गया इस बार, तो हम लोग चुनाव को वोट को बहिष्कार करेंगे। और भी कुछ लोग हैं इंदम जाने, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील आरक है। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं यही गढ़ी संजर खां में रहता हूँ जी। क्या यहाँ पर जैसा कि चुनाव का 2022 के मतलब नगर पंचायत का चुनाव आ गया है, इसमें आपकी ग्राम सभा जो मिली हुई नगर पंचायत से आपकी ग्राम सभा को नहीं जोड़ा जा रहा, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हमारे पूरे गाँव में सभी लोगों में बहुत आक्रोश है इस विषय को लेकर, क्योंकि हमारा गाँव टाउन एरिया से बिल्कुल टच में है। अगर सर्वप्रथम परिसीमन हुआ है तो इसको जुड़ना चाहिए था, इसके बावजूद यहाँ से जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनको उसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन हमारे ग्राम सभा को उसमें शामिल नहीं किया गया। तो एक तरीके से बहुत ही सौतीला व्यवहार लग रहा है ये, और इसमें काफ़ी आक्रोश है। अगर नगर पंचायत में नहीं जोड़ा जाता है तो आप लोग क्या? बिल्कुल, हम लोग बहिष्कार करेंगे 2024 का चुनाव का, हम लोग बहिष्कार करेंगे, हम लोग कोई भी वोट नहीं डालेंगे किसी भी तरीके से, कुछ भी हो हम लोग पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार। अभी तक किन किन आला अधिकारियों के पास इस मामले को लेकर न्याय के गुहार लगा चुके हैं आप लोग? सर हम लोग यहाँ हमारे जो तहसील में एडीएम बैठते हैं उनके पास गए हैं, और कई लोगों से जो सांसद भी हैं जाए उपजिलाधिकारी मलियाबाद के, उनके द्वारा इस मामले पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? सर किसी भी तरीके का अभी तक कोई रिस्पांस तो नहीं नज़र आ रहा है, हालांकि जो और हमारे जो एक्टिव लोग हमारे जो इस पे काम कर रहे हैं वो इसके बारे में आपको सही तरीके से जानकारी देंगे, लेकिन हम लोगों का मुद्दा, हम लोग एक आम नाला अधिकार बनता है वो इस गांव का बनता है। जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया है कि मलियाबाद जो नगर पंचायत है उससे मिला हुआ गांव है, उसमें इस अभी तक देखा जाए कि साफ तौर पर नगर पंचायत खंड विकास अधिकारी व दूसरी तरफ बात की जाए उपजिलाधिकारी मलियाबाद की सभी के द्वारा मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। विकास के नाम पर पूरी तरीके से लिपापोती हो रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मलियाबाद ये नगर पंचायत और ग्राम सभा से जुड़ा हुआ छत दिखा रहा है, मगर अभी तक पूरी तरीके से सौतेला व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं पूरी बात। यहाँ पर कुछ लोग और भी ग्रामीण जन हैं, इनसे खास मुद्दों पर अहम चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? श्याम किशोर। कौन सी जी? यहाँ पर जो आपका नगर पंचायत में नहीं जोड़ा गया है, जो मिला हुआ ग्राम सभा की है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार को ये सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे गाँव के साथ जितना बड़ा सौतेला व्यवहार हो रहा है
कि आज नहीं बहुत एक ज़माना हो गया कि हमारी आबादी और हमारा टाउन की आबादी एक साथ मिली हुई है, लेकिन आज 2-3-4 किलोमीटर की दूरी के दायरे के जो गांव हैं वो टाउन में शामिल किए जा रहे हैं और हमारा गांव इससे बिल्कुल अलग किया जा रहा है। तो ये सौतेला व्यवहार क्यों, ऐसा सौतेला व्यवहार? इस मामले को लेकर आपने मलिहाबाद जो जिलाधिकारी हैं इनसे क्या बात हुई? तो शासन प्रशासन से शिकायत करने के बाद में वो मुझे सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं और हम लोग 2-3 साल से मुस्तकिल प्रयासरत हैं, लेकिन झूठे आश्वासन के अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो ग्राम सभाएं जोड़ी गई हैं नगर पंचायत में, उन कौन कौन सी ग्राम सभाएं कितने किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं? मलियाबाद चौराहे से आप समझे 3 से 5 किलोमीटर तक की दूरी में सदरपुर है, मुजासा है, नजर नगर है, टिकरी हार है, सब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे आती है। आपकी ग्राम सभा मलियाबाद नगर पंचायत से जुड़ी हुई है, आखिरकार क्यों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? ये हम लोगों की समझ के बाहर है कि आखिर हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, ये हम हमारे गांव के समाज के लोगों की समझ के बाहर है और इसी का मेन रीज़न है कि जो हमारी पूरे जन ग्राम के लोगों के अंदर आक्रोश है। आज आप लोग डीएम ऑफिस लखनऊ जा रहे हैं, इसी मामले को लेकर आप डीएम ऑफिस से क्या न्याय के गुहार लगाएंगे? हमारा तो यही है कि डीएम साहब से, प्रशासन से, शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि हमारा गाँव इस जो चुनाव हो रहा है इस चुनाव में शामिल किया जाए और शामिल करने के साथ साथ हमें पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाए कि नहीं आपका गांव शामिल हो। अगर नहीं किया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? अगर नहीं किया जाता तो हम लोग आने वाले चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद नगर पंचायत के अंतर्गत का है, जहां पर ग्रामीणों में देखा गया कि 2024 के चुनाव में जो हमारी नगर पंचायत में नहीं जोड़ी जाती है ग्राम सभा, तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक राजपूत के साथ KPPN के लिए लखनऊ से प्रशांत अवस्थी।